صل على محمد، صل على نبينا، صل على محمد، صل على نبينا، صل على محمد. कामिल यकीन है कि यह रमज़ान पिछले गुजरे हुए रमज़ानों के मुकाबले पर बहुत ज़्यादा बरकतें लेकर आया है और बहुत ही देर पा बाकी रहने वाली बरकतें छोड़ कर गया है। इस ज़मन में मैं आपको एक दुआ के बाद होने वाले वाक़या के मुतालिक बताता हूँ जो मेरे नज़दीक अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ान की कबूलियत की खुशखबरी है और उसमें भी बार बार सलामती के वादे हैं। ये कैसा अजीब वाक़या है जो ज़िंदगी भर मुझे पहले कभी इसका तजर्बा नहीं हुआ और ना उनको जो आज तक मेरे पीछे नमाज़ें पढ़ते रहे हैं कभी भी याद है कि कोई ऐसा वाक़या गुज़रा हो। दुआ के बाद जब मैंने सलाम फेरा नमाज़ ज़ोहर में के बाद जब या असर के बाद जब मैंने सलाम फेरा तो कुछ देर के लिए तस्बीह के लिए बैठा और जहाँ तक मुझे याद है कती तौर पर इसमें एक ज़र्रा भी कोई शक की गुंजाइश नहीं कि तस्बीह करते करते मैं उठा और अस्सलामु अलैकुम कह के चला गया। जब दफ्तर गया तो प्राइवेट सेक्रेटरी साहब ने मुझसे पूछा कि आपसे ये बात आमदन हुई थी या बिला इरादा हुई थी। मैंने कहा कौन सी बात, मुझे तो कोई बात याद नहीं। उन्होंने कहा आपने जब सलाम फेरा दोनों तरफ सलाम फेरा फिर कुछ देर के लिए आप रुके फिर आपने दोबारा दोनों तरफ सलाम फेरा और फिर उठे हैं। मैंने कहा बिल्कुल गलत है, मालूम होता है हमारे जो रिकॉर्डिंग निज़ाम वाले हैं उन्होंने दोहरा दिया होगा इसलिए आपको बाहर बैठे आवाज़ आई है। मुझे कथित तौर पर याद है कि ऐसा नहीं हुआ मगर जब मैं मुतकफ़ीन की मुलाकात के लिए उसके मान बात गया तो वहाँ उन्होंने यही बात मुझे बताई और फिर जब तहकीक हुई तो सब इस बात के गवाह बने कि आपने थोड़ी देर के लिए ज़िक्र के बाद उठने से पहले उसी तरह दो दफ़ा सलाम फेरा जैसा नमाज के कि अत्तहियात के आखिर पर सलाम फेरा जाता है और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू दाईं तरफ भी उसी तरह कहा और बाईं तरफ भी उसी तरह कहा। अब एक इंसान भूल जाए तो याद कराने पर याद आ जाया करता है। अगर मैं भूला होता तो मुझे बताते तो मैं कहता ओहो याद आ गया मुझे गलती हो गई थी। मगर इस कैफियत का इस वक्त भी इशारातन भी दिमाग पे कोई याददाश्त पे असर नहीं और मेरी याददाश्त मुझे अब भी कथित तौर पर यह बता रही है कि मैं जिक्र इलाही किया खड़ा हुआ और जाती दफ़ा का सलाम किया है। बस इस वाक़या के बाद मैंने जब गौर किया तो मुझे समझ आई कि वो लम्हात ऐसे थे जिनमें मैं अपने शऊर की हालत में नहीं था, मुकम्मल तौर पर डूब चुका था और जब उभरा हूँ तो उस वक्त भी मुझे याद नहीं था कि ये क्या वाक़या हुआ है। बस ये एक कती इलामत है इस बात की कि अल्लाह ताला ने जमात को दोहरी सलामती की खुशखबरियाँ दी हैं और ये साल कोई आम साल नहीं है जो हम पर तुलू हुआ है, दोहरी दोहरी रहमतें लेके आने वाला दोहरी दोहरी सलामतियाँ लेके आने वाला साल है। और ज़िमनन जब इस बात का जिक्र एमएम अहमद के साथ टेलीफोन पर कल हुआ तो उन्होंने कहा मैं पहले ही आपको एक ख़त लिख चुका हूँ जिसमें जो बातें मैंने महसूस की हैं इस साल की ख़ास वो ऐसी हैं जो आम सालों में नहीं हुआ करती और उनमें एक ये भी है कि इस साल रमज़ान दो दफ़ा है यानी इस साल के इख्तिताम से पहले अगला रमज़ान भी शुरू हो जाएगा और ये अमूमन वाक़या नहीं हुआ करता था, हर साल एक दफ़ा ही रमज़ान आता है। तो ये जो बार बार आने का मज़मून है रहमतों का इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ दो दफ़ा खुदा और सलामती करेगा, तकरार का मज़मून जारी रहने वाला मज़मून हुआ करता है। जब हम कहते हैं ईद
वो खुशियों का दिन जो बार बार आता है, तो लफ्जी तौर पर तो एक दफ़ा और आने पर भी ये बात ख़त्म हो जाती है, जो दो दफ़ा आए उसको ईद कहेंगे, मगर लौट कर आता रहने वाला साल या आती रहने वाली तकरीर जो बार बार आती ही चली जाए और उसका कोई इख्तिताम ना हो, ये हकीकी माने हैं ईद के। और इस वाक़या से मैं यकीन रखता हूँ कि जमात अहमदिया के लिए अब बार बार हमेशा आती रहने वाली सलामतियों का खुदा की तरफ से तोहफा मिला है। अल्लाह इसे हमारे हक में मुबारक करे और हमें इसके तकाजे पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। एक और हदीस मुस्नद अहमद बिन हम्बल से ली गई है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अपने हाथ से टटोला तो मेरे बिस्तर में नहीं थे। जैसा कि ख़वातीन की आदत है, आपके दिल में ख्याल गुजरा कि उठे हैं कहीं गए हैं, मगर ये भी जानती थी कि आपसे ज़्यादा प्यारा अल्लाह था और बसा औक़ात आपका बिस्तर छोड़कर अल्लाह की हजूरगी रियाज़ारी किया करते थे। तो हज़रत आयशा का ये कि ये हदीस बहुत ही प्यारी लगती है मुझे कि अपने हाथ से उस चरपाई के किनारे पे नीचे देखा, वहाँ रसूल सल्लम को हाथ लगा क्रियाजारी कर रहे थे, रो रहे थे और तखवा मांग रहे थे। ऐसी प्यारी हदीस है कि रूह निशावर होती है इस पे। हजरत आयशा सदीका का प्यार से हाथ नीचे फेरना, देखना कि मेरा आका कहीं खुदा के हुजूर तो नहीं झुका हुआ। वाकयतन रसूलुल्लाह सल्लम उस वक्त खुदा के हुजूर झुके हुए थे और ये दुआ कर रहे थे, ऐ मेरे रब मेरी जान को तकवा अता फरमा, ऐ मेरे रब मेरी जान को तकवा अता फरमा। वो रसूल जो तकवा की आवाज गा था, वो रसूल जिसने सारी दुनिया को रहती दुनिया तक हमेशा के लिए तकवा की तालीम दी और तकवा के असलूब सिखाए, खुदा के हुजूर अपने तकवा को कुछ भी नहीं देखता था। वो जानता था कि जब तक अल्लाह के हुजूर मैं मुत्तकी न ठहरूं, मैं मुत्तकी नहीं हो सकता। ये भी जानते थे कि अल्लाह के हुजूर मुत्तकी ठहरा हुआ हूँ, मगर हिस्स इतनी थी तकवा की, ऐसी आजू थी दिल में तकवा की कि रो रो कर ये अर्ज कर रहे थे कि अल्लाह मेरी जान को तकवा अता फरमा। दूसरी इस हदीस में एक दिलकश बात यह है कि बिस्तर से जुदा हुए हैं, नीचे पड़े हुए हैं, लेकिन इतनी आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे कि बीवी की नींद में मुखिल हो जाए। अगर आवाज़ आ रही होती तो हज़रत आयशा सिद्दीका हाथ से टटोल कर न देखती। साफ पता चलता है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़ भी बहुत प्यारा था और ये भी तकवा का हिस्सा है कि अपनी नेकी से किसी और के आराम में मुखिल ना हो। और ये भी तकवा का हिस्सा है कि तकवा मांगो तो दूसरों को सुना कर ना मांगो। बस सारी हदीस ही एक अजीम शान हदीस है जो खुलम खुला बता रही है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल है, इसके सिवा हो ही नहीं सकता। रब आते नफसी तकवा, ए मेरे रब मेरी जान को तकवा अता फरमा। फिर फरमाया इसे पाकीज़गी बख्श और इसको पाकीज़गी अता कर, तू बेहतरीन है, तू ही इस जान का वली है और इसका मौला है। ये सारी बातें कान लगा कर हज़रत आयशा ने गौर से सुनी है तो फिर आपको समझ आए। इस ईद के मौके पर हमें वो ईद दिखाए जिसमें हम
खुदा की रजा की खातिर सर झुकाते हुए अपने दिल में उसकी याद को दिल की गहराई तक समाते हुए वापस अपने वतनों को लौटें और खुदा की राह में नाराए तकबीर बुलंद कर रहे हों। वो सच्ची और हकीकी ईद है जो मैं यकीन रखता हूँ कि हमारे मुकद्दर में मौजूद है, लिखी गई है। कब होगी हम उसकी राह देखते रहेंगे। जब अल्लाह दिखाएगा, हम आहलम व सालम व मरहबा जैसे कहा जाता है, दोनों हाथों से उसको सीने से चिमटाएंगे। मगर वो अल्लाह जिसकी रज़ा मुख्तलिफ सूरतों में आया करती है, याद रखें कि इब्तला भी रज़ा के साथ कबूल करना चाहिए। जिन लोगों को अल्लाह की तरफ से पेश आमदा इब्तला रज़ा के साथ कबूल हुआ करता है, फिर उसके नतीजे में अल्लाह ताला की रज़ा दूसरे रंग भी दिखाया करती है। बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस सबक को, जिसे मैं हमेशा हर साल दोहराता हूँ, अब भी दोहरा रहा हूँ, जमात अच्छी तरह याद रखेगी और हमेशा याद रखेगी। अल्लाह करे हम इब्तला में भी खुदा का शुक्र करने वाले हों और उसकी रज़ा जब इब्तला के बाद हम पर आसमान से बरसे तो फिर उसे इस तरह कबूल करें जैसे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश के पहले कतरे को अपनी ज़ुबान पर लिया करते थे। तमाम दुनिया की दिल की ज़ुबानें खुदा की रहमत के कतरों को कबूल करने के लिए खुल जाएं और खुदा आसमान से इन रहमत के कतरों की ऐसी बारिश करे कि जो इस बारिश से जो आप देख रहे हैं, इससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा होकर बरसे। उसके लिए हमें कोई शामियाने तानने की ज़रूरत ना हो, हम सर से पांव तक उस बारिश में नहाए जाएं। और यही हमारी कामयाबी है और यही हमारी उम्मीद है। इसी की खातिर हम जीते हैं, इसी की खातिर हम मरते हैं। अल्लाह हमारी इन ख्वाहिशात को कबूल फरमाए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। इस मुख्तसर खुतबे ईद के बाद अब मैं तमाम जमात को जो यहाँ हाजिर है और सारी जमात को जो यहाँ हाजिर नहीं, ईद मुबारक का तोहफा पेश करता हूँ। रब्बा से हमारे बहन भाइयों ने और दूसरे अजीज़ों ने, नीज सदर अंजुमन अहमदिया तहरीक जदीद वक्फ़ जदीद के कारकुनान ने, जो किसी तरह मेरे अजीज़ों से कम नहीं हैं, ईद मुबारक के पैगाम भिजवाए हैं। उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। इसी तरह असीरान रहे मौला और उनके ख़ानदानों को, नीज शहदाए अहमदियत के ख़ानदानों को मेरी तरफ़ से और तमाम जमात है अहमदी आलमगी की तरफ से दिली ईद मुबारक हो। इसी तरह तकरीबन हर मुल्क से, यानी जापान, अमेरिका, अफ्रीका, जितने ममालिक हैं, उन सब की तरफ से ईद मुबारक के पैगाम से मेरी फाइल भर गई है। ये तो मेरे लिए मुमकिन नहीं कि हर एक को अलग अलग जवाब दूं, लेकिन इन सब को मैं अब इस मौके पर ईद मुबारक का तोहफा पेश करता हूं। ऐसे मुतकफ़ीन भी हैं जिनकी तरफ से बकसरत दुआओं के ख़त मिले हैं, अल्लाह उनका इतकाफ़ कबूल फरमाए। उन सब का अलग अलग नाम लेना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं। उन सब को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। صلی علی محمد।